हरियाणा बोर्ड डेट शीट कब तक आएगी, कब एग्जाम्स होंगे, अगर आपका भी यही डाउट है तो आज की वीडियो आपके लिए, हाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड 10th 12th एग्जाम 2024 टाइम टेबल के ऊपर। डेट शीट कब तक आएगी, कब से एग्जाम होंगे, और डेट शीट का जो डाउट है वो हर एक स्टूडेंट को होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके दो ही गोल होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, एक पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना। तो यार पढ़ तो तुम रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में भी अगर तुम्हें टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो फिर तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो आज डेट शीट के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको डेट शीट के लिए अदर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी वादा है। तो बात करते हैं हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स के ऊपर। एग्जाम्स को लेकर हरियाणा बोर्ड ने अभी तक क्या कहा है, क्या उनकी तरफ से अपडेट आई है, सबसे पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में एक अपडेट आई थी जिसमें हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि अब की बार के जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगा। ये बात मैंने खुद सुनी थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। सेकंड अपडेट ये दी गई कि अब की बार जो है यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर होते हैं, इंटरनल के नंबर होते हैं, वो बोर्ड के हाथ में हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये दी गई कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ऑन टाइम होंगे। अब अगर आप इस अपडेट, थर्ड वाली अपडेट जो मैंने आपको बताई कि ऑन टाइम होंगे, इसको समझ गए ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा बोर्ड ने साफ कह दिया है कि क्या होगा आगे, कब तक डेट शीट आएगी, कब एग्ज़ाम होंगे। तो ऑन टाइम का मतलब ये है कि जैसा कि आपके हर साल एग्ज़ाम होते हैं, या तो फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग, वैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। बात करें अप्रैल तक चल सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी डेट शीट कब तक आती है वो मैंने पिछले रिकॉर्ड को देखा, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पर लगभग एक महीने पहले आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी डेट शीट इस बार भी आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है। हाँ जी, आपने सही सुना, बिना बकवास के डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और अब भी अगर तुम वीडियो देखते फिरोगे, टाइम वेस्ट करते फिरोगे, तो भाई मैं क्या करूँ, मैंने साफ बता दिया है आपको जनवरी में। और जनवरी में भी बताऊँ तो आपको जो है मिड से लास्ट के बीच में डेट शीट देखने को मिल जाएगी। अब बात करें आपकी डेट शीट जो है वो अब की बार बताई जा रही है कि जो पिछले साल थी वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेड हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, एक न्यूज़ आर्टिकल मुझे मिला था, आप लोग देख भी सकते हो, HBSC क्लास 12 डेट शीट 2024 एक्सपेक्टेड। इसमें बताया गया है कि डेट शीट में पेपर्स की सीरीज वही रहेगी। अब आप ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि डेट शीट सेम टू सेम वही रहेगी, नहीं, डेट तो बदलेंगी। पहले तो क्या पता 27 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुए हो, अब की बार हो सकता है 4 मार्च से हो जाए, 8 मार्च से हो जाए, और क्या पता 27 से पहले 25 फरवरी से भी हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, डेट तो चेंज होंगी, लेकिन ये यही कह रहे हैं कि आपके जो पेपर की सीरीज है, कि भाई जैसे 12th का केमिस्ट्री का था तो चांसेस एक्सपेक्टेड यही है कि केमिस्ट्री का ही वो पहला, या फिर मैथ का था तो हो सकता है मैथ का ही पहला हो, ऐसे 10th क्लास का साइंस का पहले था तो हो सकता है साइंस का ही पहले हो। और अगर तुम कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना कि भाई हमें बता दो एक्सपेक्टेड कौन कौन से सब्जेक्ट पहले हो सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर कहोगे तो। लेकिन आज की वीडियो का मेन मुद्दा है कब तक डेट शीट आएगी, तो वो भी यहाँ पर आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, जनवरी में ही बताया जा रहा है टेंटेटिवली, यानी कि जनवरी के अंदर ही आपकी जो है डेट शीट आपको देखने को मिल जाएगी। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हरियाणा बोर्ड जो है आपकी डेट शीट जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। अभी तक डेट शीट को लेकर हरियाणा बोर्ड में कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन अब आपकी डेट शीट बनाई जाएगी। डेट शीट बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि बैठ गए एक घंटे में बना दी, बहुत चीज़ें ध्यान में देखी जाती हैं। 12th वाले बच्चों का कोई एग्ज़ाम हो जैसे, ठीक है, कई बार और भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के फॉर्म भर रखे होते हैं, किसी को कहीं खेलने जाना होता है, किसी का कोई और कुछ होता है, तो एक ऐसी डेट देखी जाती है जिसको और कोई बड़ी चीज़ ना हो देश में, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो कोई छुट्टी ही हो गई बड़ी और उस दिन ही तुम्हारा पेपर रख दिया, तो फिर डेट शीट बदलनी पड़ती है। पिछली बार कम से कम 2 बार डेट शीट बदली गई, तो ऐसा ना हो इसीलिए डेट शीट जो है उसको बनाने के लिए भी बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई देश में उस दिन क्या है जिस दिन हम पेपर रखें, ठीक है, कोई छुट्टी तो नहीं है, कोई और बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर डेट शीट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपकी डेट शीट जो है आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम सिर्फ फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, और सारी टेंशन अपडेट वगैरह की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने भाई पे छोड़ दो, ठीक है। अगर हो सकता तो मैं पढ़ाई भी तुम्हारे लिए कर लेता, लेकिन वो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और सारी अपडेट तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ऑन टाइम मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आ गई है, आप जाके देख सकते हो, आज एक वीडियो आई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ऐसे ही आगे बहुत सारी आने वाली है। तो अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, डेट शीट आपकी जनवरी में आएगी, और जनवरी में भी यहाँ पर मिड के आसपास या फिर लास्ट में, ओके, और फिर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगी हरियाणा बोर्ड की तरफ से, तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना अब आपको बार बार इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और अगर कहोगे तो एक आपको एक्सपेक्टेड डेट शीट भी बना के बता देंगे, आप लोग कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।